ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सो आज आ गए हैं उसी चैप्टर पे फिर से। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस हम लोगों ने ई कॉमर्स देखा, ई बिजनेस देखा, ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस देखा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, बहुत सारे बेनिफिट है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ देखते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी देखते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। ओके, तो पहले आते हैं बेनिफिट्स की ओर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन इजी है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, क्योंकि यहाँ आपको कोई प्रोडक्शन नहीं करना है बड़े मात्रा में, ये सब नहीं। आपको बस नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट का, डिजिटल मार्केटिंग का, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। आप एक अपना वेबसाइट बना सकते हो, वहां से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सो ई बिजनेस फॉर्मेशन इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। नंबर टू, कन्वीनियंस। ई बिजनेस ऑफर्ड एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये सर नो, आपको अगर आपको 12 बजे ऑर्डर देना है ऑर्डर दे दो। ये सर नो, आपको रात को 2 बजे सर्च करना है कुछ कि देखते हैं कुछ आया है कि नहीं, ऐसा प्रोडक्ट है कि नहीं, कर सकते हो। सेलर भी रात को 12 बजे भी कुछ अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है तो रात को 12 बजे भी वहाँ आपको ये क्या बोलते हैं उसमें अपडेट कर सकता है उसमें आपका वेबसाइट में वो अपना, ये सर नो अपना आपका ऐप में, ये सर नो। सो ये आपका क्या है, एनी टाइम एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। इट अनेबल द कस्टमर टू शॉप एट देयर ओन कन्वीनियंस at any time 24/7 at any time you can place order, yes or no? आप cancel कर सकते हो, order दे सकते हो, yes or no? तो payment online कर सकते हो, yes or no? So बहुत ही ज़्यादा convenience होती है। Speed, information move very fast through internet which speed up the process of buying and selling. Information इतना speed हो जाता है, आप एक click पे order done। ये सर नो, एक क्लिक पे ऑर्डर डन नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर डन, ऑर्डर कैंसिल, बहुत कुछ इसके अलावा और भी बहुत। ये सर नो, सो एक क्लिक पे बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस जो होता है ना, एक एक क्लिक पे विद इन अ सेकेंड सब कुछ हो जाता है। ये सर नो, हार्डली 2 या 3 मिनट लगते हैं। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, बाय में जाओ, आपको पता ही है कैसे फ्लिपकार्ट अमेजन आप दिन रात यूज करते रहते हो। सो इट्स वेरी स्पीडी स्पीड। ग्लोबल रीच। अब ग्लोबल रीच, मान लो कोई भी ऐप है वो ग्लोबली है, ये सर। अब अमेजन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है सिर्फ या अमेरिका में ही है, पूरा ग्लोबली फैला हुआ है, ये सर। तो ये ग्लोबली रीच होता है विद द हेल्प ऑफ वेल डेवलप्ड कंप्यूटराइज्ड नेटवर्किंग सिस्टम। ई बिजनेस अलाउड सेलर टू ऑपरेट एट द नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल। नेशनल लेवल पे तो है ही और ग्लोबल लेवल पे भी है। आजकल कितने सारे ऐप आ गए हैं, ये सर। सो नेशनल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक ये पूरा स्प्रेड हुआ हुआ है। सो इसका चांसेस बढ़ जाता है ग्लोबल होने का। आप अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप अगर करते हो, ई बिजनेस में आप अगर आ रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ग्लोबल होने के लिए। आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपका आप जो कर रहे हो अमेरिका तक या लंदन तक या यूके तक कहीं तक फैल जाएगा। यस सर, सो बिकॉज इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। जैसे कि हम लोग जाते हैं कोई शॉप में कुछ खरीदना होता है तो पर्सनल टच बना रहता है, ये सर, पर यहाँ नहीं होता है। इट लैक पर्सनल टच विद कस्टमर एज इट कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट होता है तो कस्टमर से पर्सनल टच नहीं होता है। सही बात है। डिले इन डिलीवरी। द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज आर जनरली फाइनलाइज क्विकली। ट्रांजेक्शन तो 1 सेकंड में हो जाता है, बाइंग एंड सेलिंग तो 1 सेकंड में हो जाता है, ये सर। बाय किए, बाइंग का ऑप्शन है, क्लिक किए, ट्रांजेक्शन किए, हो गया पेमेंट किया, काम खत्म। बट जो गुड्स आप तक पहुंचता है उसमें थोड़ा लेट हो सकता है, तो ये लिमिटेशंस है। सो क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा इसको। सो हाउएवर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑफन टेक लॉन्ग टाइम। फिजिकल डिलीवरी जो है गुड्स का, इट्स टेक ऑफ अ लॉन्ग टाइम। सो
नेक्स्ट नंबर थर्ड, नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। इसमें क्या है नीड ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी? अगर मान लीजिए नॉलेज होना पड़ेगा, जैसे समझो आप ई बिजनेस में आ रहे हो, तो जो सेलर हो या बायर हो दोनों को नॉलेज होना पड़ेगा ई बिजनेस का। अगर मान लो सेलर को नॉलेज है, बायर लोग को ज्यादा है ही नहीं, बहुत कम लोगों को है, तब तो नहीं हो पाएगा। ये सर लो तो नॉलेज कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन होने से नहीं होता है, आपको उसको ऑपरेट करने का नॉलेज भी होना पड़ेगा। ये सर लो तभी जाके आप ये सक्सेसफुल हो सकता है, वरना विद अ लैक ऑफ नॉलेज इट्स नॉट गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल पार्ट। सो नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कैपेबल होने पड़ेंगे, होना पड़ेगा कैपेबल कि हाँ टेक्नोलॉजी में मतलब नॉलेज है, एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ऑफ ई बिजनेस। ओके, एथिकल फॉलोअप। एथिकल फॉलोअप मीन्स मेनी फर्म यूज एन इलेक्ट्रॉनिक आई टू कीप देयर ट्रैक ऑफ द ईमेल अकाउंट कंप्यूटर फाइल्स एंड वेबसाइट यूज बाय देयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो वेबसाइट यूज करते हैं, जो कंप्यूटर फाइल यूज करते हैं, ईमेल अकाउंट यूज करते हैं, उस पर थोड़ा नजर रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। सो इलेक्ट्रॉनिकली नजर रखा जाता है तो ये थोड़ा मतलब क्या है प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाता है, यस सर। तो एथिकल फॉलोअप हो जाता है, एथिक्स मतलब खत्म हो जाता है। Yes, sir. तो इसीलिए प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाता, तो ये भी एक आपका है आपका लिमिटेशंस। ओके, सो बस एथिकल फॉलोअप, आई होप आपको लिमिटेशंस भी पता चल गया होगा। ये चैप्टर देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत ही ये डे टू डे जो चल रहा है ना ये चैप्टर उसी पे है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। पहले क्या था, आप ही मान लीजिए मैं एक छोटे से टॉपिक पे आता हूं, पहले बार्टर सिस्टम था ही, सो धीरे-धीरे उससे ऊपर आया कि अभी देखिए धीरे-धीरे 2025 तक तो बोला जा रहा है कि पूरा अच्छा टेक्नोलॉजी होने वाला है। यस सर, सो चलिए यही था आपका बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज रिस्क इन ई बिजनेस, सो हम लोगों ने देखा लिमिटेशंस देखा था, सो अब रिस्क भी देख लेते हैं, ये भी एक टॉपिक है, तो देखते हैं क्या क्या है रिस्क इन ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। ट्रांजेक्शन रिस्क, देर आर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिस्क, जैसे डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। ओके, ये एंड है यहाँ पे, ये ऑब्लिक है मींस एंड, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, ऑर्डर लेने में या देने में, ऑर्डर करने में डिफॉल्ट मतलब कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे कि डिफॉल्ट हो सकता है, जैसे कि व्हेन द सेलर डिनाई द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और द बायर डिनाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। अब मान लीजिए जो सेलर है वो डिनाई कर दे, मना कर दे कि नहीं मैंने तो ऑर्डर रिसीव किया ही नहीं है। ओके, या फिर द बायर डिनाई कर दे कि मेरे पास ऑर्डर, मेरा ऑर्डर आया ही नहीं, मैंने जो ऑर्डर किया था वो अभी तक आया ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। सो ऐसा हो सकता है, ये सर नहीं आया मेरे पास, बस सीधा बोल देगा कि मेरे पास आया ही नहीं। या फिर सेलर बोल देगा, डिनाई कर सकता है कि रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, मैं रिसीव ही नहीं किया हूं अभी तक आपका ऑर्डर। ओके, सो ये हो सकता है। फिर डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफॉल्ट हो सकता है डिलीवरी में, जैसे व्हेन द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल गुड्स आर डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस और गुड्स डिलीवर्ड आर अदर द ऑर्डर बाय द बायर। या फिर आप कुछ ऑर्डर दिए हो तो रॉन्ग एड्रेस पे चला गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मान लो आपने ऑर्डर दिया मोबाइल, ओके, कोई मोबाइल ऑर्डर दिया, मान लो आपने सैमसंग का मोबाइल एक ऑर्डर दिया, ठीक है, जो आपने जो मॉडल ऑर्डर दिया था सैमसंग का, वो मॉडल नहीं आ गया, कोई दूसरा मॉडल आ गया, या फिर दूसरे कंपनी का ही फोन आ गया, तो ये सब मतलब ऐसा हो सकता है और होता भी है। ओके, सो ये प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्क है ई बिजनेस में। फिर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, अब पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता तो बहुत मुश्किल। ओके, व्हेन द सेलर डज नॉट गेट अ पेमेंट फॉर द गुड सप्लाई, अगर सेलर को जो गुड सप्लाई कर दिया है उसको पेमेंट ना मिले, वेयर द कस्टमर क्लेम दैट द पेमेंट इज मेड, और कस्टमर बोले कि नहीं मैंने तो पेमेंट कर दिया है, वो जबरदस्ती कर सकता है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए इसको था रिस्क इन बिजनेस। आप ध्यान में रखिएगा ट्रांजेक्शन रिस्क के अंदर आपका डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग एंड टेकिंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, तो ये आपका रिस्क है ई बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंटेशन।
कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो कि एक सक्सेसफुल ई बिजनेस सेटअप हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, ये सब ना इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो द नंबर वन इज वेल डिजाइंड वेबसाइट। द वेबसाइट शुड बी वेल डिजाइंड, क्योंकि वेबसाइट पे आपका जो फर्म का नेम है, जो लोगो है, जो प्रोडक्ट डिटेल है, प्राइस है, हर चीज एकदम वेल डिफाइंड स्पेसिफिक होना जरूरी है। ए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इट्स ऑनलाइन पार्टनर। यस और नो? तो वेल डिजाइन वेबसाइट इज वेरी नेसेसरी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द पब्लिक। यस और नो? सो ये बहुत जरूरी है। एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बिजनेस फर्म मस्ट प्रोक्योर एंड इंस्टॉल कंप्यूटर विद नेसेसरी हार्डवेयर फॉर प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर हाई प्रोसेसर होना पड़ेगा, स्पीड होना पड़ेगा, ये नहीं कि बार बार मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। ओके, मेमोरी ज्यादा होनी पड़ेगी, ये सब तो ये सब होना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हो, तो ये सब दिक्कत नहीं आनी चाहिए बीच में। सो एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर। और एक आपका है सॉरी टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर। अब देखिए सब कुछ है लेकिन आपको जो मैन पावर चाहिए होंगे उसके बारे में जानकारी होना पड़ेगा, उनको जानकारी होना पड़ेगा हाउ टू ऑपरेट ई बिजनेस। ये सुनो, सो टेक्निकली क्वालिफाइड मैन, देयर मस्ट बी टेक्निकली क्वालिफाइड टू हैंडल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक सेल इंक्वायरी। कैसे होगा ऑनलाइन और ई बिजनेस में सेल इंक्वायरी कैसे होगा, नॉलेज होना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये सुन लो, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगा, पेमेंट डिलीवरी कैसे होगा, हर चीज का आइडिया क्वालिफाइड मतलब हर चीज का आइडिया रहना, नॉलेज रहना जरूरी है इन केस ऑफ ई बिजनेस। सो ये था आपका टॉपिक रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, और ये था आपका रिस्क इन ई बिजनेस। एक और रिस्क जैसे मैं बताया था वायरस, तो ये वायरस के लिए ही वायरस भी होता है जो प्रॉब्लम करती है, तो ये एक रिस्क होता है कि कोई डॉक्यूमेंट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो अचानक से उड़ जाता है। यस सर, तो उसके लिए आपको हाई प्रोसेसर स्पीड मेमोरी अच्छा रखना जरूरी है, अच्छा हार्डवेयर प्रोसेसर रखना जरूरी है। तो ये भी एक आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो नंबर 4 में। ओके वायरस, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहे इट्स कॉमर्स टेल्स।